नमी ओ माय गुडनेस How is it? You wanna be a pilot? Thank you. सुबह सुबह उठा हूँ देखो मैं गाना बज रहा है Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Happy birthday. Thank you. ये देखो बच्चा पार्टी से डांस कर रहे हैं सब लोग ने प्लान कर दिया था सुबह जल्दी उड़ गए तीनों जने और मैं ऊपर सो रहा था और एक जोर से गाना बजा दिया और मैं उठ के नीचे आ गया थैंक यू वेरी मच थैंक यू हैप्पी बर्थडे थैंक यू अरे वाह हग 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 कम कम हग हग आजा हग आओ आजा 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 अरे बाप रे थैंक यू हग थैंक यू पूरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है सब विशेस से सब लोग इतना सारा विश कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच गाइज थैंक यू सो मच सेम थिंग मेरे इंस्टाग्राम पे भी इतने सारे विशेस है थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को मतलब अपना नाश्ता पीते पीते मैं सारे विशेस को रिप्लाई कर रहा हूँ सबको थैंक यू बोल रहा हूँ धीरे 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 करके क्योंकि ढेर सारे विशेस है तो टाइम लग रहा है जिस किसी ने भी विश नहीं किया है उन लोगों को भी थैंक यू वेरी मच आप लोग अगर वीडियोस देखते हो आप लोग अगर लाइक करते हो आप लोग अगर लाइक नहीं भी करते हो जो भी है आप लोग वीडियोस अगर देखते हो थैंक यू वेरी मच दैट इटसेल्फ मींस अ लॉट टू मी एंड अस अभी ये पीते पीते और बाकी के मैसेजेस को रिप्लाई करेंगे टाइम हुआ है अबाउट 11 बज गए हैं यूजुअली मैं इतना लेट नहीं पीता हूँ नाश्ता बट लेकिन ठीक है कोई बात नहीं क्योंकि कल रात को भी हम लोग काफी लेट सोए थे कल रात को टूटू का बड़ा मन था कि हम लोग 12 बजे तक जागे तो इसलिए हमने एक मूवी चला दी थी और मूवी देखते थे जैसे 12 बजे हैं वैसे टूटू ने मेरे लिए एक मस्त छोटा सा सरप्राइज लाया थैंक यू बेबी रात के 12 बजे हम लोग बैठ के मूवी देख रहे हैं ये देखो और टूटू आ गई वो बोलती है पापा आई गॉट समथिंग फॉर यू वो क्या लाई है मैं दिखाता हूँ देखो आपको सबसे पहले तो उसने ये कार्ड बनाया हुआ है बहुत ही क्यूट कार्ड है इस पे लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे पापा एंड जैसे ये ओपन करते हैं इस पे इतना प्यारा मैसेज लिखा है और इतना मतलब मेरे को ऐसा थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है बिकॉज इसमें पता है क्या लिखा है उसने लिखा है देखो हैप्पी बर्थडे टू यू पापा थैंक यू फॉर नॉट लीविंग मी एंड तीर्थ एंड मम्मा दिस टाइम एंड लास्ट फादर्स डे यू डिड नॉट बट टुडे इज नॉट फादर्स डे टुडे इज योर बर्थडे सो ग्लैड दैट यू डिडंट लीव अस हाँ मेरे को इतना बुरा लग रहा था पता है कि मैंने लास्ट फादर्स डे इन लोगों को छोड़ के चला गया था अपनी बाइक राइड पे आई वॉज फीलिंग सो बैड लेकिन चलो कोई बात नहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस डे पे हूँ बर्थडे पे और ऑफ कोर्स यार इन लोग को छोड़ के तो नहीं जाऊँगा लेकिन हाँ एक चीज़ डेफिनेटली सीख गया हूँ मैं इससे कि अब कभी भी फादर्स डे पे मैं मेरी राइड बिल्कुल भी प्लान नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए नहीं बर्थडे पे भी नहीं करूँगा लेकिन फादर्स डे पे भी नहीं करूँगा 100% दो बार फादर्स डे बैक टू बैक मैं गया हूँ तो आई एम फीलिंग रियली बैड तो अभी से ये प्रॉमिस है फादर्स डे पे नो मोर राइड्स ठीक है डन डील ठीक है और दूसरा क्या बना के दिया देखो उसने बनाया ये एक पुल करके कुछ तो बनाया है ये ओपन करके दिखाओ ये करके दिखाओ ओपन ऐसे पुल करते हैं और इस पे मस्त एक छोटा सा मैसेज है इट सेज रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू आई जस्ट वांट टू से हैप्पी बर्थडे टू यू ओह सो स्वीट थैंक यू टूटू कम गिव मी अ थैंक यू थैंक यू थैंक यू तीर्थ सो गया वो जस्ट सोया वो बिल्कुल 12 बजे सोया है वो कोई बात नहीं और हमारा स्ट्रगल कंटिन्यूज कल जो हमने आधा छोड़ दिया था उसको अब बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आंचल शुरू हो गई है दरवाजे लगाना इस बारबेक्यू के लेट्स सी कितना टाइम लगता है अभी का टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 12:15 और अगर आप वंडर कर रहे हो कल मैं बार बार बोल रहा था कि पानी बहुत ठंडा है क्यों इतना ठंडा है जबकि मैंने तो हीटर चालू कर दिया था वेल अपेरेंटली एक पंगा हो गया है एंड आई कैन नॉट बिलीव दिस कि ये हमारे साथ हुआ है ब्रांड न्यू हीटर खरीदा हमने ठीक है नया हीटर लेके आए हम लोग कनेक्ट किया अब जब हमने कनेक्ट किया सारे इंस्टॉल हुए थे यू नो हर पहले हीटर वाला पहले पूल वाला बंदा आया फिर उसके बाद में वो गैस वाला बंदा आया फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन आया हर बंदा अलग 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 दिन पे आया बाय द टाइम हमारा हीटर पूरी तरह से कनेक्ट हो गया था पूल बहुत गंदा था बिकॉज हमने काम शुरू करवा दिया था तो हम लोग बिल्कुल भी पूल हीटर जो है वो टेस्ट ही नहीं कर पाए थे कल जब मैंने हीटर चालू किया देखा उसमें एक एरर आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर है ये अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ना हीटर एरर AGS ये देखना एरर AGS
पता नहीं ये क्या है। तो मैंने इसको गूगल वगैरह किया और पता चला कि इसके अंदर एक पार्ट होता है, वो पार्ट जो है वो डिटेक्ट कर रहा है कि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से हीटर चल ही नहीं रहा है। मतलब हमारे साथ पता नहीं क्या हुआ है ऐसा। आज का दिन का हमारा प्लान था कि हम पूरा दिन भर मस्त अपना पूल में पड़े रहेंगे, इन्जॉय करेंगे एंड देन शाम को कहीं बाहर जाएंगे डिनर वगैरह करने के लिए, लेकिन मुझे अभी वो डाइसी लग रहा है। बट हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर धूप अच्छी आएगी तो हम चले जाएंगे। बट मतलब बोलने का पॉइंट ये है कि इस बार हमारा पूल में जाने का इतना बड़ा पनौती लगा हुआ है ना, इतनी बड़ी पनौती है ना कि पूछो मत। जब भी हम ट्राई कर रहे हैं ना पूल में जाने का, जब भी हम कोशिश करते हैं कि भाई अभी जाएंगे पूल में, अभी जाएंगे पूल में, हमारा नसीब ही ख़राब चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। बट ठीक है, मैंने अभी कल मंडे के दिन पे कॉल करूंगा पेंटर वालों को और वारंटी में वो बताऊंगा कि ऐसा ऐसा इशू आ रहा है। फॉर्चुनेटली नया है, वारंटी है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो लोग आके रिप्लेस कर देने चाहिए। बट नॉट वेरी हैप्पी, बट क्या कर सकते हैं, जो है सो है। टाइम हुआ है 1:15 एंड पूरा 1 घंटा लग गया एंड ये हो गया हमारा बारबेक्यू रेडी। क्या बात है अचल, क्या बात है, बहुत बढ़िया और एकदम ब्रांड न्यू बारबेक्यू की बात ही अलग होती है। हमारा जो पुराना बारबेक्यू था वो इतना गंदा था कि पूछो मत, हमने वो दे दिया, डोनेट कर दिया, बाहर रख दिया, कोई आके लेके चला गया। वैसे 1 घंटा अभी लगा है, कल भी हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा डाला था, तो सब मिला के 2.5 घंटे लग गए। समझ नहीं आता है यार, इतनी बड़ी चीज़ को इन लोग इतना छोटा पैक कैसे करते हैं एंड इतने स्क्रूज, ओ माय गॉड। आई थिंक पूरे प्रोसेस में ना दो चीज़ें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है। सबसे पहली, मैनुअल एकदम ध्यान से पढ़ो, फॉलो करो मैनुअल को ही, ठीक है। जो तुम करते हो, मैं नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे पहले लगा देता हूँ, ये बाद में लगा देता हूँ, लेकिन नहीं, अगर ये करने जाओगे तो डेफिनेटली फंसोगे। दूसरी चीज़, सारे स्क्रू एक साथ मत टाइट करो, ये तो सबसे बड़ा लेसन है, क्योंकि सारे स्क्रू मैं टाइट कर देता हूँ, फिर पता चलता है एक मेरे को स्क्रू और एडजस्ट करना है, वो जा नहीं रहा है, फिर सारे स्क्रू लूज कर रहा हूँ, फिर वापस वो उसको एडजस्ट करके स्क्रू डालता हूँ, फिर सारे स्क्रू टाइट करता हूँ। तो वो बहुत बड़ा लेसन है, वो आप लोग मत करना गलती। बट ये हो गया रेडी, प्लस हमने सिलेंडर भी लगा दिया है, ये रहा हमारा सिलेंडर भी लगा दिया है हमने। एंड सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो इसको यहाँ बनाया था कि हम लोग इसको आराम से धक्का मार के ले जा सके, तो लेके चले। ये हो गया एकदम अपना इजी काम, असेंबल करने की हम काफी जगह थी यहाँ पे, करेक्ट। चलो इसको हम लोग लगाएंगे अपने पुराने वाले जगह पे जहाँ पर बारबेक्यू हुआ करता था, जो है ये कॉर्नर, ताकि हम पूल वूल में मस्ती मार रहे रहेंगे, जब भी पार्टी होगी तब यहीं पर खाना मस्त आराम से बना सकते हैं, यहीं पर मस्त चिकन तंदूरी और क्या पनीर, और क्या पनीर पंजा, अरे पनीर टिक्का, चिकन तंदूरी, ये सब डालेंगे अंदर, हा 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 हा, मजा आ जाएगा। वाओ, आई लव इट मैन, आई लव इट, क्या बोलते हो, आई लाइक इट। बाकी इसका कवर जो है वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर दिया है, तो वो मोस्टली कल तक आ जाएगा, तो कवर डाल सकते हैं। जब अगर वंडर कर रहे हो कि यहाँ पे वेदर में, स्नो में, बारिश में कैसे रहेगा, तो उस पर कवर आ जाएगा। ऑन करो, करो, टाइम टू टेस्ट। जय माता दी, हो गया चालू? हाँ, आई नो आपको दिख रहा है, दिख रहा है, देखो यहाँ पर हल्की सी आग आ रही है, ये वाला जय बात, बहुत बढ़िया। तो क्या इस पे पहले क्या बनेगा, खीर बनेगी, गैस आ गया, गैस पे सबसे पहले खीर, दूध उबालते हैं ना, तो बस वो करते हैं, दूध उबालते हैं। भाई बारबेक्यू का डेफिनेशन ही बदल देंगे हम लोग, बारबेक्यू पे हमने सबसे पहले क्या किया, दूध उबाला, यहाँ पे फुलके, यहाँ पे रोटी, हाँ हाँ हाँ, ये भाई फुलके बनेंगे, फुलके खाए तो जमाने हो गए मेरे को ऐसा लग रहा है ना, दाल बनाते हैं। भाई यहाँ के लोग देखेंगे ना, मारेंगे पकड़ के, बोलेंगे ये तुमने बारबेक्यू का क्या हल किया है, बारबेक्यू पे दाल रोटी, तो भाई नहा धो के मैं ओमकार को बोल के आई हूँ कि मैं कुछ काम से जा रही हूँ, खैर उसको आइडिया तो होगा। तो टूटू और मैं यहाँ जा रहे हैं ओमकार के लिए बर्थडे केक लाने के लिए, और एक दो बलून्स भी लेके आएंगे, तो आई टोल्ड हिम कुछ काम से जा रहे हैं, सो वी बी बैक एंड चलो जाके केक लेके आते हैं फटाफट। ओके, तो हम आ गए हैं फोर्टिनोज और घर पे बोल के आए हैं कि हम जा रहे हैं डॉलोरामा, क्योंकि का कुछ क्या लेना है, क्राफ्ट यहाँ से केक लेंगे, और हाँ डॉलोरामा भी जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट ही है, और वहाँ पे हम लोग लेंगे बलून, क्योंकि ओम टूटू का कहना है कि हाँ बर्थडे विदाउट बलून्स तो कोई लॉजिक नहीं लगता है। हम ले रहे हैं चॉकलेट ट्रफल विद वाइट वाला ट्रफल वाला केक। हैप्पी बर्थडे यूट्यूबर, तो भाई हम लिखवा रहे हैं हैप्पी बर्थडे यूट्यूबर, तो चलो 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 जल्दी, आई एम सो एक्साइटेड ऑलरेडी। अब हम आ गए हैं डॉलोरामा और ये लड़के ने मुझे इतना तंग करके रखा है, इतना तंग करके रखा है, इसको मैंने ओंकर को मैंने बोला था इसको रख लो, बट ही जस्ट सेंट हिम टू विद मी। एनीवे अब हम बलून्स लेंगे, अभी पता है क्या हुआ, खैर थोड़ी देर में बताती हूँ गाड़ी में बैठ के। तो भाई हम बलून्स लेके आए हैं,
और बलून्स कुछ ऐसे लाए हैं ये वाले, और इसके साथ में स्टिक्स भी है और ये कनेक्टर्स भी हैं, और ये अभी मैं बलून ब्लो कर रही हूँ, और क्योंकि आई डोंट वांट टू गो होम और उसके सामने जाके हम ब्लो करें, इसके लिए हम लोग यहाँ पे गाड़ी में बैठ के फटाफट ब्लो करेंगे और उसको पिन करके, एंड देन एज वी एंटर दोनों बच्चों के हाथ में बलून्स होंगे एंड मेरे हाथ में केक होएगा। ये हैप्पी बर्थडे वेट, आई गिव यू। थक गई हूँ यार ये ब्लो कर करके, एक तो जल्दी जल्दी ब्लो करने हैं और इतने सारे एटलीस्ट 8 बलून ब्लो कर रही हूँ। 3 ये लोग पकड़ेंगे, 2 मैं पकड़ूंगी। ये वाले कर दिए हैं मैंने। यस दे आर 1 2 3 4 5। हम लोग तो पहुंच गए हैं घर, मतलब घर मतलब जस्ट घर पहुंचे हैं। कम तो ये बच्चे देखो बलून के साथ रेडी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बताऊंगी क्या हुआ, और गाड़ी में तो मैं बलून फुला फुला के थक गई, मेरे पूरे गाल दर्द होने लग गए। खैर एनीवे ऑल वेल, खैर तुमसे मैं नाराज हूँ। क्यों मेरे से क्यों नाराज हो? तुमने तीर को मेरे चिपका दिया। चिपकाया नहीं, हेलो मैंने भेजा उसको ताकि वो तुम्हारे साथ घूमेगा, मस्त एंजॉय करेगा। आप लोगों ने देखा ना मुझे उसने कितना तंग किया है, गोदी में उठा उठा के मेरा पूरा हाथ वहां सूज गई है मेरी। एनीवे खैर वो भागता बहुत है यार, उसको पकड़ना पड़ता है, इट्स सच अ पेन। और वहां पे क्या हुआ, मैं केक का बिलिंग कराने लगी, और बिल कराने के लिए मैंने टूटू को बोला इसका हाथ पकड़ के रखना, तो ये हाथ पकड़ा और ये नीचे फैल गया, नीचे पूरा लेट गया और रास्ता ब्लॉक हो गया। एंड यहाँ से और 2 जन कस्टमर बिलिंग के लिए आ रहे थे, और बिलिंग करते करते उन लोग ने 2 मिनट मतलब रुकी, तो मैंने बोला जब तक मैं उठाती हूँ 1 मिनट में, तो इसको एकदम से चिल्ला के बोलती है कैन यू पिक हिम अप, दिस इज नॉट वेयर यू विल लेट हिम थ्रो हिज टैंट्रम्स इन द सुपरमार्केट। मुझे इतना बोलना चाहिए उसको, उतना बोल के चली गई। तो मेरे को टूटू बोलती है इफ देयर वर एनी ऑफ माय फ्रेंड्स दे वुड कम एंड से could you say this a little polite, in a polite way, could you say this in a nicer way? Of course. I said beta aap bol dete, bolte I got scared, main ka don't be scared. Scared nahi hone ka, bol dene ka, aise to galat baat hai, aise koi agar kar raha hai to fir anyways chhod do yaar, ye negative log de rahe hain, hum lenge nahi, khatam baat. Ha to maine tutu ko ek bahut achhi story sunayi, jisme main dali ne mujhe sunayi thi story abhi 2 din pehle, to mujhe bahut freshly ye dimag mein ye thi, aur usme tha ki ek do bande, ek old man aur ek young man, they were going passing through a town, एक सिटी पहुंचते हैं वहां पे उनको बहुत सारे स्वीट्स ऑफर करते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें स्वीट्स नहीं चाहिए थैंक यू, और वो नेक्स्ट टाउन जाते हैं, नेक्स्ट टाउन में उनको बहुत लोग गालियां देते हैं, गंदी तरह बात करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं, तो वो वहां से भी निकल जाते हैं आगे, तो उनके साथ में जो छोटा बच्चा था वो बोलते हैं कि आपको बुरा नहीं लगा कि आपको इतना ऐसे बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं बेटा जब मैं पिछले गाँव में था, पिछले विलेज में था, वहां पे उन्होंने मुझे स्वीट्स दी, जो मैंने नहीं ली तो किसने खाई, वो बोला उन लोग ने खाई, सही बात है, तो अगर तो ये गालियां दी नहीं ली तो किसने खाई, उन्होंने खुद ने खाई, एग्जैक्टली। तो मेरा भी वही पॉइंट था बोलने का कि ये सब नेगेटिव बंदा दे रहा है, हमने ली नहीं, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता है, एग्जैक्टली, अपने को ये सब चीजों से अपना मूड खराब नहीं करने का, अपने को तो अभी जाने का है पूल में, गाने वाने सेट और टूटू कूद गई है पूल में, तीर्थ रेडी है और अभी मैं जाने वाला हूँ पूल में। 1 2 भाई यहाँ पे तो ये लोग पूल में एंजॉय कर रहे हैं और मैं नहीं गई हूँ क्योंकि अभी पानी ठंडा है भाई, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन पनीर और एक और चिकन, तो 3 टाइप के 2 ग्रिल बनाएंगे, और ये फर्स्ट टाइम हमारा बारबेक्यू यूज होएगा, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। ओ भाई हो गया पनीर यहाँ पर रेडी, चिकन सीख रेडी, और वो वाला चिकन बन रहा है ना अभी भी, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया है, चलो तो अभी ये एंजॉय करेंगे मस्त, इसमें डाइव इन, लेट्स डिग इन। ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट ना 2-2.5 घंटे तक हम लोग पूल में बैठे रहे। बच्चों ने इतना इंजॉय किया है, तीर्थ तो इतना इंजॉय कर रहा था, तीर्थ को बार बार पूल के अंदर जाना था। वो बार बार ऐसे करता है, पापा जंप। मैंने कहा यार ये लड़का बिल्कुल भी, इसको ठंडी नहीं लगती है। वैसे इसको अगर नहाने बोलो तो इतना रोता है, बाथरूम में उसको ले जाओ नहलाने तो वो बहुत रोता है। ठंडा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। रात को सोते वक्त उसको ब्लैंकेट ओढ़नी होती, चाहे विंटर हो या समर हो, यहाँ पे ठंडे पानी में वो कूद रहा है। एंड टूटू तो हर बार की तरह, टूटू तो इतना एंजॉय करती है, उसको इतनी गंदी टैनिंग हुई है लिटरली, जो उसने पहना था वो जब उतार के उसको मैंने नहलाया है, ओ माय गॉड पूरी तरह से एकदम टैन हो चुकी है वो। बट शी हैज़ नो कम्प्लेंट्स, आई हैव नो कम्प्लेंट्स, बिकॉज भाई समर बहुत छोटा है और अभी तो हमने पूल इन्जॉय करना शुरू किया है। अभी जो है तीर्थ को दूध पिला के सुला दिया है एंड टूटू अंदर बैठ के टाइम पास कर रही है। मेरे को थोड़ा टाइम मिला है तो मैं बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ कल वाला वीडियो, एंड मैं होप कर रहा हूँ कि आज मैं इस वीडियो को डाल पाऊंगा। नहीं डाल पाऊंगा तो आई एम अगेन वेरी सॉरी, इसको कल डाल दूंगा फिर। लेकिन उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं डाल पाऊंगा, कि मोस्टली अभी आज शाम को हम लोग जाने वाले हैं बाहर डिनर करने के लिए। वैसे तो पेट सॉलिड भरा हुआ है तो मेरे को मन तो नहीं कर रहा है, बट देखते हैं कि आंचल का भी मन कर रहा है कि थोड़ा रेडी होके कहीं बाहर जाए। ओके रेडी, हैप्पी बर्थडे, ओ हाउ स्वीट, हैप्पी बर्थडे यूट्यूबर, कितना मस्त केक है यार, आई लव इट, आई लव इट विद माय फेवरेट कलर। ओ या हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, happy birthday to you, thank you, thank you, the cake is yum, it's yum, truffle hai your fave, I love it, ye idhar rakh dete hain, okay, oh sorry, hello, happy birthday, oh, oh my goodness, happy why, oh my god, thank you, happy birthday, thank you so much, why you had to do this, oh my god, thank you so much, oh ye dekho bhai ye bada surprise mila hai mere ko, bahut bada surprise mila hai mere ko, oh god why you had to do this, are yaar thank you so much yaar, thank you very much, very happy yaar, thank you, promise me you won't return, I won't, no, 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 promise. I won't, promise, yaar, I won't, आप लोगों को याद है last year मैंने आपको MacBook दिया था, उसने return करवाया था, तो आप सामने promise किया, इसने return नहीं ले रहा है, नहीं नहीं done, return नहीं ले रहा, and it's on YouTube, and it's on YouTube, बंद पापा don't कर दो, खिलाओ उसको, I won't, okay okay take, see papa's smart man, he's gonna cut this part on YouTube, no I won't cut on YouTube, I won't cut, this is yum. Thank you so much, yeah. Thank you. You'll really, keep it, right? 100%. Yes, I will keep it. उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, एक रेस्टोरेंट है कॉल्ड बरंगाज ऑन द बीच। ये जगह जो है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये जगह पे हम लोग की नजर बैठी हुई है पिछले एक साल से। हम लोग आने वाले थे यहाँ पे आंचल के बर्थडे के लिए, है ना, लेकिन वो दिन पे वेदर थोड़ा खराब था और ये आउटडोर पे सिटिंग है, बारिश हो गई थी, थोड़ी ठंड थी, हाँ तो आउटडोर सिटिंग है तो वो सितंबर मंथ के लिए अच्छा नहीं है, मेरे बर्थडे के लिए सबसे बेस्ट बैठता है, तो इसीलिए आंचल ने यहाँ पर आई थिंक ऑलरेडी बुकिंग कर ली। तुमने बुकिंग कर ली है या वॉक इन है यहाँ पे? नहीं, लोग ने बोला कि वॉक इन है, दे डोंट नीड रिजर्वेशंस, चलो ठीक है तो वॉक इन है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग और ये जगह के बारे में हमने बहुत अच्छा सुना है, तो आई एम क्वाइट श्योर बहुत ही एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा। सो ये इनका इंडोर सीटिंग है यहाँ पर, वहाँ पर बार है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हम लोग लेकिन जा रहे हैं पैटियो में बैठने, जो बहुत ही कूल है यहाँ का। सो यहाँ से एंट्रेंस है इसका कुछ, एंड ये बहुत ही मस्त है, बहुत ही समर वाइब है, बहुत बढ़िया वाइब चल रही है यहाँ पे, लोग इतने सारे बैठे हुए हैं, सो दिस इज़ प्रीटी कूल। सो ये वाला टेबल हमको मिला है, हम होप कर रहे थे वो साइड पे टेबल मिले बट वो नहीं मिल रहा है, यहाँ अंदर की तरफ दिया है, बट नो प्रॉब्लम। आंचल ने जाके ना बोला भी उसको कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो प्लीज़ हमको उस तरफ वाला टेबल दे दो, तो उसने बोली मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वेटिंग है, आई डोंट नो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ट्राई करते हैं, अगर मिल गया तो हम वहाँ मूव करेंगे, नहीं मिला अगर बाय द टाइम जब तक खाली होते, जब तक हमारा खाना अगर हो जाता है तो हम यहीं बैठे बैठे खा लें। तो यहाँ से हमारा टेबल चेंज करके वहाँ पर दे दिया है कॉर्नर में, वहाँ बैठ रहे हैं हम लोग। सो ये वाला टेबल हमको दिया है उन्होंने जस्ट बाय द बीच, कितना मस्त टेबल है ना ये वाला, है ना, ये अच्छा टेबल है, देखो एकदम क्या व्यू है। तो हमने ऑर्डर किया है एक ये बरंगाज म्यूल, कुछ जिन वगैरह है,
और ये आंचल के लिए ऑर्डर किया हुआ है स्ट्रॉबेरी मोई तो है ना, उसने बोला ये थोड़ा स्वीट है तो हम ये ट्राई कर रहे हैं। एंड आंचल यहाँ पर ऑफकोर्स इंस्टाग्राम के लिए अपने फोटोज निकाल रही है, तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर देना। एंड यहाँ पर मेन कोर्स भी आ गया, हमने अपने लिए मंगाया हुआ है पास्ता, पेने पास्ता, और टूटू के लिए चिकन फिंगर्स विद ढेर सारा फ्राइज। नाइस, इज इट गुड? चलो बढ़िया। तो ये हम खाना हमारा एंजॉय कर रहे हैं, हमारा बर्थडे डिनर। बहुत मस्त है, देखो यूजली तो मैं पीता नहीं हूँ आपको पता है, लेकिन ये वाला ट्राई करने वाली चीज़ है, बहुत अच्छा है, आज एक दिन चल जाता है। इसमें ना जिंजर का फ्लेवर है, एंड आई थिंक मैंने पहले आपको बोला जिन है, जिन नहीं है, इसमें वोडका है, वो बहुत टेस्टी है। आओगे अगर यहाँ पे तो ट्राई जरूर करना। टू गुड, इनका तो वाइब यार, क्या हुआ। बर्थडे डिनर खत्म, बहुत ही बढ़िया था खाना, आई थिंक ओके था, बट वाइब 100% अच्छी थी। कैसा लगा तुमको खाना? खाना वाज ओके एंड ओवरली प्राइस, मुझे लगा कि लाइक इट वाज नॉट वर्थ द प्राइस, बट मुझे वाइब अच्छा लगा, जगह अच्छी है, मतलब जो सीन एक स्पेशल, हाँ स्पेशल जो डे आपको सेलिब्रेट करना है उसके लिए ये जगह बहुत बेस्ट है। हाउ वाज माय बर्थडे? माय बर्थडे वाज अमेजिंग, आई लव माय बर्थडे। आई लुक फॉरवर्ड टू माय बर्थडे क्योंकि मेरे को ना मेरे फैमिली का टाइम स्पेंड करने मिले, मेरे को वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे को आंचल पूछ रही थी देखो पार्टी करनी है, ये करना है, वो करना है, मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं करना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहना है। ओह द पूल वाज द बेस्ट टाइम, आई थिंक हमने बहुत मजा किया। हाँ, तुम तो पूल में नहीं आए थे लेकिन हमने बहुत धमाल किया, बार्बेक्यूइंग एंड यू नो फर्स्ट एक्सपीरियंस बार्बेक्यूइंग, हां मुझे अच्छा लगता है फर्स्ट एक्सपीरियंस बार्बेक्यूइंग, फर्स्ट एक्सपीरियंस इस रेस्टोरेंट में, तो सब कुछ फर्स्ट फर्स्ट बड़ा बढ़िया था। चलो तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, बस अभी यहाँ से घर जाएंगे एंड दिन को कर देंगे खत्म। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ कॉमेंट्स हो, कुछ सजेशन हो, कॉमेंट बॉक्स यूज करके कॉमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हाँ, हैप्पी बर्थडे भी कॉमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ। ये अलग ही बोल दिया जिसने, स्टे सेफ, स्टे सेफ, स्टे सेफ।